नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। चुनाव के दौरान सियासी दलों को सबसे ज्यादा जरूरत फंडिंग की होती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनावी चंदे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों की जानकारी दे दी है, लेकिन ये आंकड़े जितना बता रहे हैं उतना ही छुपा भी रहे हैं। इसलिए हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। सबसे पहला सवाल हमारा आज का है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जारी किया नोटिस। दरअसल SBI ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को सौंपे हैं उससे चुनावी चंदे का पूरा सच सामने नहीं आ रहा, लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड के खरीदारों और बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी, लेकिन जब अदालत के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग ने कल उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया तो चुनावी चंदे की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। दरअसल SBI के आंकड़ों में बॉन्ड के मूल्य, खरीदारों का नाम और खरीदने की तारीख तो दर्ज है, लेकिन उन खरीदारों ने वो बॉन्ड किसे सौंपे इस बात का जिक्र नहीं है। ऐसे में जब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड के नेतृत्व वाली 5 जजों की खंडपीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई कि इस अहम मामले की सुनवाई के दौरान SBI की तरफ से उनका पक्ष रखने वाला कोई मौजूद नहीं है। चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसका हर बॉन्ड का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर ये जरूर होता है, जिसे हम यूनिक नंबर कहते हैं, उसकी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निर्वाचन आयोग को दी गए पूरे डेटा में उस न्यूमेरिकल नंबर की कोई जानकारी नहीं है। और जब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे ये गुहार लगाई गई कि ये नंबर मिलना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को ये कहा कि आपने वो नंबर नहीं दिया है, आप वो नंबर दीजिए, क्योंकि याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि वो नंबर सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि 11 मार्च के फैसले में साफ कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन SBI ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर से खुलासा नहीं किया है। बेंच ने कहा है कि SBI 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं, जो हरेक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे, उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं, तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, उन वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए, और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफों में जो दस्तावेज सौंपे हैं उसकी कॉपी उनके पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज करने के बाद ओरिजिनल कॉपी आयोग को लौटा दी जाए, जिससे वो डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 17 मार्च तक अपलोड किया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक डिटेल देने और ECI को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इन आंकड़ों को पब्लिश करने का निर्देश दिया था। कल शाम को चुनाव आयोग ने इन आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च यानी सोमवार को होगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के सामने आने से इस बात का खुलासा हुआ है कि किस किस ने बॉन्ड खरीदे, कितने बॉन्ड खरीदे, राजनीतिक दलों को कितने का चंदा मिला। लेकिन इन जानकारियों के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों में क्या क्या छुपा है। दरअसल बॉन्ड के खरीदारों का खुलासा हो चुका है और राजनीतिक दलों को कितना मिला ये भी पता चल चुका है। बस ये पता नहीं चल सका है कि किसने किसको कब और कितना चंदा दिया। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस दावे के साथ लॉन्च की कि इससे चुनावी चंदे को लेकर पारदर्शिता आएगी। लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद आरोप लगने लगे कि बॉन्ड वाले चंदे की वजह से ही निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब खंगाला जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपे थे, उसे कल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की है। 337 पेज की लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड का मूल्य और बॉन्ड खरीदने की तारीख दर्ज है, जबकि 426 पेज वाली दूसरी सूची में इस बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दल और भुनाने की तारीख दर्ज है। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें कैश कराने वालों के नाम तो है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसने ये पैसा किस पार्टी को दिया। अभी तक जो बड़ी जानकारियां इसमें निकल कर आई हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने की सैकड़ों करोड़ों में डोनेशन जो है वो राजनीतिक पार्टियों को दिया हुआ है। किन राजनीतिक पार्टियों को दिया हुआ है इसके बारे में आगे ही पता चल पाएगा। जब तक यह जानकारी नहीं आ जाती कि किस बॉन्ड को किस पार्टी ने खरीदा है या किस बॉन्ड को किस पार्टी ने के पास गया हुआ। इन आंकड़ों के मुताबिक 1334 दानदाताओं ने कुल 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि 27 दलों ने इन बॉन्ड्स को भुनाया। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही पर है, क्योंकि जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उनसे इस बात का खुलासा नहीं हो पाता कि किन डोनर्स के बॉन्ड्स को किस राजनीतिक दल ने भुनाया है। यानी खुलासे के बाद जिन आंकड़ों के जरिए चुनावी चंदे के पारदर्शिता का दावा किया जा रहा, उसका मकसद पूरा हो ही नहीं सका। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया जा रहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड के ऊपर छपे यूनिक कोड का ब्यौरा जारी ही नहीं किया है, जिससे किसने किसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे इसका खुलासा नहीं हो सका। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए SBI को नोटिस जारी किया है। इन आंकड़ों से किसने किसको कितना चुनावी चंदा दिया इसका तो खुलासा नहीं हो सका, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि चंदा देने वाली टॉप की 30 कंपनियों में आधे से ज्यादा केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर रही हैं। टॉप 10 ऐसी कंपनियां जिन्होंने की इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया हुआ है, उन्होंने लगभग 3800 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया। और ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर किसी वक्त पर या तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच हुई, या कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हुई, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच हुई। अब सबको इंतजार है इस बात का कि इस बारे में पता चल पाए कि आखिरकार इस चंदे के पीछे की वजह क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में SBI ने आंकड़ों को लेकर यही दलील दी थी कि उसे आंकड़ों का मिलान करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने सभी आंकड़ों को 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब दावा किया जा रहा कि SBI की तरफ से बॉन्ड का यूनिक नंबर मिलने के बाद ये पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया। लेकिन इस खुलासे के बाद भी इस बात को कभी साबित नहीं किया जा सकेगा कि चुनावी चंदे की वजह से उसे राजनीतिक दलों की तरफ से फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ मनीष पांडे, गुड न्यूज टुडे। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड के सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए हर बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर प्रिंट करवाया था, लेकिन SBI ने जो जानकारी सार्वजनिक की है उसमें बॉन्ड के नंबर का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में इसको खरीदने वाले और भुनाने वाले के बीच कोई मिलान नहीं हो पा रहा। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खास कोड पर क्यों अब मचा है बवाल। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा।
सोमवार को होने वाली सुनवाई बहुत क्रूशियल होगी, यानी बहुत संवेदनशील होगी, बहुत अहम होगी, क्योंकि इसमें भारतीय स्टेट बैंक ये बताएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में किसने बॉन्ड खरीदा, किसको दिया, उसने जमा किया, कितने राशि का था, किस तारीख को दिया गया, ये तमाम चीजें एक ही नंबर से रिवील हो जाएंगी, उसी नंबर से सब कुछ पता चल जाएगा, यानी एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय स्टेट बैंक उस न्यूमेरिकल नंबर हर एक बॉन्ड के उसे उपलब्ध कराने को लेकर क्या सीधे सीधे ये कहता है कि हम सारी जानकारी दे देंगे, या उसमें कोई दलील लगाता है, या उसमें कोई हीला हवाला होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची जारी हुई है, इसमें 426 पन्नों में इलेक्टोरल बॉन्ड पाने और भुनाने वाली पार्टियों का पूरा ब्यौरा है। कमोबेश देश की हर प्रमुख पार्टी को चुनावी चंदा मिला है। इस सूची में सबसे ऊपर है सत्ताधारी दल बीजेपी, जिसे 60 अरब से ज्यादा चंदा मिला है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। देखिए, हर कोई यही जानना चाहता है, तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा पाने वाले 10 पार्टियां कौन कौन सी हैं। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए मिले हैं, कांग्रेस को 1421 करोड़, भारत राष्ट्र समिति को 1214 करोड़, जनता दल बीजू को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़, शिवसेना को 158 करोड़ और राष्ट्रीय जनता दल को 72.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के 337 पेजों का दूसरा आंकड़ा उन खरीदारों से संबंधित है जिन्होंने एसबीआई से अलग अलग मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनियां कौन कौन सी है। इस सूची में टॉप पर है फ्यूचर गेमिंग, जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे हैं। आइए आपको हम टॉप खरीदारों की लिस्ट दिखा रहे हैं, उन कंपनियों की जो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विस पीआर 1368 करोड़ रुपए है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारतीय ग्रुप 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़, मदनलाल लिमिटेड 185 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब सामने आने के बाद भले ही इससे ये पता नहीं चल रहा है कि किसने कितने बॉन्ड किसको दिए, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाने लगी है। विपक्षी दल चुनावी चंदे को सरकार पर हमले का हथियार बनाकर उन्हें घेरने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने पर क्यों मचा है सियासी घमासान। देखिए, सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पहले के मुकाबले अब ज्यादा अच्छी है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लेकिन सियासत में असल गर्मी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा सामने आने के बाद आई है। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस को पछाड़कर इसमें दूसरे स्थान हासिल किया है। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया है जिन्होंने सरकार को ज्यादा चंदा दिया है, लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है, 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60% बीजेपी को गया है, और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अरुण जेटली जी सेड, इधर उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो,
That is why electoral bonds, monies are going into the accounts, from account to party's account. So, kam se kam jo party tak pahunchta hai paisa, koi bhi party kyun na ho, wo white pahunchta hai. चुनावी चंदा पाने वालों में बीजेपी सबसे आगे है, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा निशाना उसी पर लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात टीएमसी को लेकर है, क्योंकि टीएमसी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा कांग्रेस से ज्यादा उठाया है, जबकि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, अगर उन्हें दिक्कत है तो चुनावी चंदे को लौटाकर अपने को पाक साफ दिखाना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी को ये नहीं दिखता, बल्कि निशाना सिर्फ बीजेपी पर साधना है। बीजेपी स्टैंड थरवली एक्सपोज्ड एंड दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन डिमांडिंग। इवन स्टेट बैंक, दे फोर्स स्टेट बैंक टू गो एंड आस्क फॉर मोर टाइम, बट इट इज बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टिव गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल दिस डाटा हैव कम टू द पब्लिक डोमेन। And let us see how things are going to move in the coming days. NDA गठबंधन का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मांगी और SBI ने वो जानकारी सौंप दी है। जो अदालत ने फैसला दिया है उसके मुताबिक SBI ने लिस्ट सौंप दी है और इसमें कोई हेरा फेरी की या चालाकी की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही, विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार भी करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नया नोटिस थमा दिया है और कहा है कि बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा होना चाहिए, यानी सोमवार तक वो खरीदे गए डेटा और जमा करने वाले राजनीतिक दलों के बाबत तारीख, यूनिक न्यूमेरिक नंबर और धनराशि की डिटेल्स भी उपलब्ध करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चुनावी चंदे के आंशिक खुलासे से चुनावी चंदे के सिस्टम में पारदर्शिता की ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन जब इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौन किसको कितना दे रहा है और उससे उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं, तब तक इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, चुनावी चंदे के खुलासे से पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता क्या आएगी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से चुनावी चंदे में कितनी पारदर्शिता ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार के लिए यानी इस चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार के लिए ये दोहरी जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसी स्कीम लेकर आए जिसमें नागरिकों के अधिकारों को लेकर भी किसी तरह के कोई सवाल ना उठें, पारदर्शिता को लेकर भी सवाल ना उठें और सबसे ज्यादा पक्षपात को लेकर कोई सवाल ना उठें कि सभी को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, यानी आगे बढ़ने के तमाम अवसर और आगे बढ़ने के समान अवसर, इसके साथ ही चंदे के भी समान अवसर हों, यानी खरबूजा कटे तो सब में बराबर बटे, ऐसा नहीं कुल्हड़ में गुड़ फूटा और किसी को पता ही नहीं चला। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।